आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओबीजी का क्वेश्चन सेशन, है ना। इसमें आपने समझेंगे बेसिकली हमारा फंडा ये रहेगा सर, 10 × 40 यानी 10 × 40। आप 10 क्वेश्चन करोगे, उन 10 में से 10 के कितने करने अपने को, 40। ठीक है, हमारा मेन मोटिव बच्चे किसके लिए है, एनवीएस और आपका डीएमईआर के लिए, ठीक है ना, डीएमईआर के लिए। जिन बच्चों के ये एग्जाम हैं उनके लिए जो हम क्वेश्चन बच्चे प्रिपेयर करके लाए हैं वो एक्यूरेटली बच्चे इन तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आप और कल को या परसों को आपका ये रहेगा जो प्रीवियस ईयर की एनवीएस के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है और सभी का आंसर आना चाहिए, पीएच ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम वेजाइना की पीएच क्या होती है। हाँ जी, फटाक से आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, ए। हाँ जी, फटाक से आंसर आना चाहिए, बोलिए जल्दी से, सभी के आंसर आना चाहिए। शिल्पा, है ना, नीलम रानी, वेरी गुड, यस यस, बढ़िए। थोड़ा सा देख लेना भाई, है ना, मुझे लग रहा है राइट या रोंग कैसे जा रहे हो। राइट या रोंग कैसे जा रहे हो, वो इस सभी को क्लियर है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इसके बारे में। आपको पता ही है सभी को, सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीएस तो हमें भी पता है, पर इसके साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चन क्लियर कर दो। या आप बोलोगे एक आप बात यहां से हमने ये समझते हैं कि सर वेजाइना की जो पीएच होती है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कैसी होती है। तो आप बोलोगे सर वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है। क्या होगी, एसिडिक। तो यहां से क्वेश्चन और अराइज होगा कि भाई एसिडिक पीएच का कारण क्या है कि भाई आपका जो वेजाइना की पीएच है वो एसिडिक रहती है। तो आप ये बोलोगे सर कि एक बैक्टीरिया होता है ना, जिसको डोर्डेलिन आप बोल सकते हो, डोर्डेलिन हम क्या बोलते हैं, बेसिलाई बोलेंगे, या बच्चे इसको क्या बोलेंगे हम, लैक्टो बेसिलाई बोलते हैं, ठीक है ना, लैक्टो बेसिलाई बोलते हैं। तो आप ये बोलोगे सर वेजाइना की पीएच डोर्डेलिन बेसिलाई या लैक्टो बेसिलाई के कारण है, एसिडिक होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सर हमें दो क्वेश्चन मिले एसिडिक वाले, एक तो ऑप्शन ए मिला, एक ऑप्शन बी मिला, पर क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछ रखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बच्चे प्रेगनेंसी पूछ रखा है, तो यहां से हमारा आइडिया, आपको पता है कि सर पीएच तो एसिडिक होती है, तो यहां पे हमारा एक बी ऑप्शन आया, एक ए ऑप्शन आया। अब इन दोनों को बच्चे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सर ए वाले को और बी वाले को। तो सुनो, अब मैं बात करता हूं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की। तो आप ये बोलोगे कि सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम बेसिकली देखते हैं तो होता क्या है कि आप ये बोल सकते हो कि ड्यूरिंग बेसिक हम ये बोलेंगे कि जो वेजाइना की पीएच होगी, आपने ये क्लियर कर लिया सर डोर्डेलिन और लैक्टोबैसिलस के कारण होती है। अब हम बेसिकली अगर बोलना चाहें कि जो प्रेगनेंसी के टाइम आप बोलोगे सर इन बैक्टीरियाज की, हम ऐसे लिख सकता हूं, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ, अरे बोलो, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ, है ना, बैक्टीरिया, या बच्चे मैं इसको बोलूंगा लैक्टोबैसिलस। यानी हम ये बोलेंगे, आप ये बोल सकते हो कि सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज क्यों हो जाती है ये भी कारण लिखोगे। तो आप ये बोलोगे कि सर इंक्रीज द लेवल ऑफ क्या बोल सकते हो, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के कारण बेसिकली इन बैक्टीरियाज क्या बोल सकते हो सर, क्या बढ़ जाएगा, है ना, हम बेसिकली अगर बोलना चाहें तो आप क्या बोलोगे कि सर इसके कारण बेसिकली हम देखेंगे तो क्या इंक्रीज हो जाता है एस्ट्रोजन का, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे इन बैक्टीरियाज की एक्टिविटी बढ़ेगी। और ये बैक्टीरिया आपको पता है कि सर कैसा बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे मैं बोलना चाहूं तो एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है, है ना, एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है।
इसीलिए मैं यहां पे आपको बोलूंगा कि सर ये विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हमारा जो ग्लाइकोजन होता है बच्चे, ग्लाइकोजन होता है उस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, लैक्टिक एसिड, और इसीलिए हमारी लैक्टिक एसिड और इसीलिए हमारी वेजाइना की पीएच बच्चे क्या होगी, एसिडिक होगी। समझ में आया? यानी वेजाइना की पीएच आप बोल सकते हो सर एसिडिक क्यों होती है? क्लियर हुआ बच्चे सभी को? यानी क्यों होती है बताओ भाई, डोडलिन बेसिलाई, वेरी गुड काव्या जी, है ना, कैसे होती है, समझ आया सभी को? एक बार यस बोल दीजिए, मैं आगे बढ़ूं, एक बार यस बोल दीजिए बच्चे। हाँ यस, समझ आया सभी को? बोलो हाँ जी, वेरी गुड, है ना। यानी क्या बोलोगे सर कि जो डोडलिन बेसिलाई है वो एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है, और आप बोलोगे सर कि ये जो विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहता है, और साथ ही साथ ये जो ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, लैक्टिक एसिड में, है ना, इसीलिए हमारी वेजाइना की पीएच क्या रहेगी, एसिडिक। अच्छा तो आप बोलोगे ठीक है सर एसिडिक तो रहती है, पर प्रेगनेंसी की बात बताओ। अब मैंने बोला प्रेगनेंसी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो इन डोडलिन बेसिलाई की एक्टिविटी और बढ़ेगी, और इन डोडलिन बेसिलाई की एक्टिविटी और बढ़ेगी तो इसका मतलब आप ये बोलोगे कि सर पीएच तो और घटेगी यानी एसिडिक होगी, तो एसिडिक होगी तो यहां पे हम यहां पे ये देखेंगे कि सबसे कम हमारी पीएच कौन सी है, तो बच्चे आप बोलोगे सर 3.4। वैसे हम अगर नॉर्मली बोलना चाहें कि सर पीएच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या बोल सकते हो सर पीएच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम 3-4 बोलते हैं, कितना बोलते हैं 3-4 पावर ऑफ हाइड्रोजन, आप ये बोल सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट पूछ ले, देखो भाई क्वेश्चन फर्स्ट हम अराइज करते हैं कि पीएच ऑफ वेजाइना आपको डायरेक्टली बच्चे पूछ ले तो डायरेक्टली क्या बोलोगे सर 4-5 पीएच बोलोगे, है ना। अगर आपको ये पूछ ले, इन दोनों के अलावा आपको तीसरा पूछ ले कि इन मीनोपोजल के अंदर, अच्छा यहां से मैं आपसे पूछूं कि सर मीनोपोजल के अंदर बेसिकली पीएच कैसे होती है वेजाइना की, तो आप क्या बोलोगे कि सर मीनोपोज के अंदर तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा और हमारी पीएच भी कहीं ना कहीं ऊपर होगी यानी एसिडिक से बाहर आएगी, यानी मैं बोलूंगा सर पीएच हमारी 4-5 नहीं रहेगी, और कितनी हो जाएगी बेसिकली बच्चे, आप बोलोगे सर 6-8 पीएच, है ना। मैंने कारण बता दिया कि मीनोपोजल में पीएच हमारी आप बोल सकते हो सर एल्केलाइन क्यों हो जाती है, तो एल्केलाइन का कारण ये होता है बच्चे कि सर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा तो हमारे डोडलिन और लैक्टोबेसिलाई का एक्टिविटी कम हो जाएगा, उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो इसका मतलब कि सर हमारा पीएच एल्केलाइन हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, है ना। चलो ठीक है, अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव एज की, है ना, तो रिप्रोडक्टिव एज का अगर नाम दे दिया हो बच्चे तो उसमें क्या बोलोगे, बेसिकली 4-5 बोलोगे, है ना, रिप्रोडक्टिव एज 4-5 बोलोगे आप बेसिकली। अगर आपको यहां पे कोई और चीज दे दे, आपको ये बोल दे कि भाई प्यूबर्टी एज के अंदर, है ना, प्यूबर्टी एज के अंदर, तो एक और लिख लीजिए बच्चे। अगर आपको ये बोल दे कि प्यूबर्टी एज के अंदर, तो कितना बोलोगे 6-8। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि सर एक तो प्रेगनेंसी को छोड़ के और एक रिप्रोडक्टिव एज को छोड़ के बाकी सब में हमारा आंसर 6-8 होने वाला है, कितना बच्चे 6-8 होने वाला है, है ना, सभी को समझ आया बच्चे 6-8 होने वाला है। अच्छा वेरी गुड, यानी एक चीज बच्चे कंफर्मली ध्यान में रखना कि सर इन प्रेगनेंसी में हमारी और कम होगी, और आप बोलोगे सर रिप्रोडक्टिव एज में हमारी, है ना, वैसे कितनी रहती है 4-5 अगर प्रेगनेंसी होगी, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, एक्टिविटी बढ़ेगी डोडलिन बेसिलाई की, पीएच और कम होगी सर 3-4 पीएच, है ना। क्लियर हुआ बच्चे फर्स्ट वन क्वेश्चन, है ना, आपने 4-5 क्वेश्चन बनाए सभी का भैया, आना चाहिए कमेंट में, कमेंट की तरफ ही देख रहा हूं, बोलिए। हाँ जी यस वेरी गुड, चलो बढ़े आगे अपने, हमारा बच्चे सेकेंड वन क्वेश्चन है ना, अभी आपकी स्क्रीन पे बोलिए लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, बोलो बच्चे, यस वेरी गुड, हाँ जी लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम बोलिए जल्दी से आपका, हाँ जी वेरी गुड, बोलो बोलो हमारा क्वेश्चन सेकेंड नंबर लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, जल्दी से बच्चे आंसर आना चाहिए, ए ए
क्या बात है खुश काव्या कुलवंत वेरी गुड बच्चे अन्नु ज्यादा से ज्यादा विशाली वेरी गुड मोनिका नीलम रानी यस वेरी गुड बच्चे। हाँ जी जल्दी से जे जो भी बच्चे हैं है ना नहीं जुड़े हैं उनको आप एक बार मैसेज सेंड कर दीजिए कि आप क्लासेस लगाओ है ना बेनिफिट उठाओ बच्चे और बच्चों को भी बोलो ठीक है यस बढ़े आगे। चलो अब हम करते हैं इसके बारे में लगभग के ए आंसर आ रहा है और मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि सर ठीक है आपने एंडोमेट्रियम तो बोला है पर यहाँ पे मैं कुछ ये चीज बोलूंगा सर ये एंडोमेट्रियम मेरे को देखने को कहाँ मिलेगी तो सबसे पहले मैं यूट्रस के अंदर जाऊंगा है ना सर की यूट्रस की लेयर तो आप बोलोगे सर यूट्रस की तो बेसिकली हमें तीन लेयर देखने को मिलती है ना कौन सी तो सर तीन लेयर यानी बाहर वाली पेरीमेट्रियम बच्चे पेरीमेट्रियम आप बोलोगे और बीच वाली बच्चे क्या बोलोगे मायोमेट्रियम बोलोगे अरे बोलो तो सही है ना और अंदर वाली बच्चे क्या बोलोगे एंडोमेट्रियम बोलेंगे ठीक है ना एंडोमेट्रियम। अच्छा ये तीन लेयर तो यूट्रस की होगी सर यहाँ पे तो एंडोमेट्रियम की पूछ रखी है रुको जरा हम बात करें अब एंडोमेट्रियम की तो आप ये बोलोगे कि सर जो एंडोमेट्रियम होगा उसका फर्दर वन आप बोल सकते हो कि सर फर्दर वन थ्री लेयर्स होती है कितनी लेयर होती है तीन लेयर्स कौन सी होती है बच्चे तो मैं आपको बोल देता हूं कि सर सबसे जो अंदर वाली होगी वो हमारी बेजल लेयर आप बोलोगे है ना सेकंड वन हमारी सर स्पंजी लेयर होगी अरे बोलो तो सही और थर्ड वन हमारी कॉम्पैक्ट लेयर होगी अरे नाम तो सुना होगा सभी ने यस है ना यानी हमारा एंडोमेट्रियम की फिर फर्दर वन तीन लेयर होती है कौन सी बच्चे बेजल लेयर स्पंजी लेयर और कॉम्पैक्ट लेयर। अच्छा इसको इस तरीके से समझे सबसे इनर वाली कौन सी होती है सर बेजल लेयर होती है ना क्या बोलोगे बच्चे बेजल लेयर होती है सर मिडल तो मिडल मैं बोलूंगा सर हमारी स्पंजी लेयर होती है सर सबसे आउटर तो आउटर आप बोलोगे सर कॉम्पैक्ट। अच्छा एक क्वेश्चन और है यहां से कि सर वो कौन सी लेयर होती है जो हमें एंडोमेट्रियम को ग्रो कराने में हेल्प करती है तो सर यहां पे आप बोल सकते हो सर बेजल लेयर क्या बोलूंगा मैं बेजल लेयर तो बेजल लेयर इज हेल्प इन द आप बोलोगे सर ग्रोइंग ऑफ एंडोमेट्रियम बच्चे क्लियर वाना एंडोमेट्रियम यानी एंडोमेट्रियम को ग्रो कराने में हेल्प करती है। अच्छा उसको इस तरीके से समझो बच्चे कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमारा सेटअप होता है कौन सी लेयर का है ना सर सेटअप होता है कौन सी लेयर का सेटअप होता है सर हमारा एंडोमेट्रियम लेयर का है ना क्या होता है बच्चे एंडोमेट्रियम लेयर का होता है ठीक है ना। अब एंडोमेट्रियम लेयर का होता है ठीक है सर पर एंडोमेट्रियम को बनाने में और आप बोल सकते हो सर बेसिकली बनाने में है ना और आप बोल सकते हो कौन हेल्प करेगा तो इसकी भी फर्दर वन सर तीन लेयर आपने बोली ना अभी बेजल लेयर बोली है ना आपने स्पंजी लेयर बोली सर और आपने कॉम्पैक्ट लेयर बोली तो सर यहाँ पे तो कुछ बेजल का कुछ नाम ही नहीं आया इसका मतलब तो सर ये क्वेश्चन गलत है बोलो भैया इसका मतलब तो क्वेश्चन गलत है अब दो इसका आंसर बोलिए है ना आप बोलो अभी किसी का आंसर आएगा वेरी गुड मैंने तो यहाँ पे आपने जो आंसर बोला है उसके हिसाब से तो कोई ऑप्शन नहीं मिला मेरे को अब तक डिस्कस किया है बोलिए जल्दी से। चलो मैं ही बता देता हूँ सर जो बेजल लेयर होती है ना उसी को तो हम बोलते हैं सर क्या डीप लेयर सर उसी को तो हम बोलते हैं क्या सर लेमिना प्रोपरिया ठीक है ना लेमिना प्रोपरिया वेरी गुड समझ आया बच्चे यानी अगर आपको डीप लेयर दिया हो तो भी हमारा आंसर होगा अगर आपको बेजल दिया हो तो भी हमारा आंसर होगा अगर आपको है ना आई बात समझ में ना तो एंडोमेट्रियम की फर्दर वन कितनी लेयर है सर तीन लेयर है ठीक है सर इन दोनों के बारे में हाँ हम बोल सकते हैं सर ये मिडल लेयर होती है और ये मिडल लेयर बेसिकली सर कॉन्ट्रैक्शन में हमें हेल्प करती है वेरी गुड क्या बोल सकते हो बच्चे सर कॉन्ट्रैक्शन में हमें क्या करेगी ये हेल्प करती है आई बात समझ में चलो ठीक है सर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी ये बाहर वाली सर कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम करता है और एक अंदर वाली एंडोमेट्रियम सर वो की है ना ये आप बोल सकते हो सर प्रेगनेंसी के अंदर इम्प्लांटेशन के अंदर हमें क्या करेगी बच्चे हेल्प करती है।
थोड़ा सा आप बोल सकते हो सर मैं यूटरस के बारे में एक आधा क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ। सर बेसिकली हम यूटरस के बारे में बात करें तो बोल सकते हो राइट आंसर होगा तो बच्चे पता लगा ना कौन सा है। चलो वेरी गुड, समझदार हो आप। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चे बोलूं यूटरस के बारे में मैंने बात की तो सबसे पहले यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बता देता हूँ कि सर क्वेश्चन आता है कि वेट ऑफ यूटरस, वेट ऑफ, हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि बच्चे एग्जाम के अंदर ज्यादातर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेट ऑफ यूटरस बच्चे हमें एक आंसर बोलना है 60 ग्राम, ठीक है ना। ध्यान रखना अगर आपका ऑप्शन में नहीं है 60 ग्राम फिर हम बच्चे यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, अगर यह भी नहीं तो बच्चे यहाँ से यहाँ तक हम जा सकते हैं, ठीक है ना। पर हमें ये ध्यान में रखना है कि सर 60 ग्राम यूटरस का वेट होता है। अगर मैं बच्चे आपसे प्रेगनेंसी में पूछूं तो भाई प्रेगनेंसी में कितना हो जाता है, तो सर आप ये बोलोगे कि सर 900 से आप 1000 ग्राम के समथिंग बोलोगे, है ना। कितना हो जाएगा बच्चे 900 से 1000 के समथिंग हो जाता है हमारा। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। बेसिकली हम मैं बात कर देता हूँ, आपको पता है कि सर इसकी हम अच्छा लेंथ की बात करें यूटरस की तो क्या बोलोगे सर 7.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। चौड़ाई की बात करें बच्चे विड्थनेस की बात करें तो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर के समथिंग रहेगी। अगर आपको मोटाई पूछे थिकनेस पूछे तो कितनी बोलोगे सर 2.5 सेंटीमीटर के समथिंग आप बोलते हो, ठीक है ना। 1.5 सेंटीमीटर के समथिंग आप इसको बोलोगे। तो ये हमारा इसका अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन बच्चे ये निकलता है कि सर डेवलपमेंट ऑफ यूटरस, है ना, डेवलपमेंट ऑफ यूटरस, यूटरस का डेवलपमेंट किससे होता है। तो आपने सभी ने नाम सुना होगा सर 3 जर्म लेयर होती है, उनमें से एक जर्म लेयर का नाम है मीजोडर्म जो कि हमें हेल्प करती है यूटरस को डेवलपमेंट करने में, ठीक है ना। उसके बाद अपने बात करें कि सर मीजोडर्म या आपको मिल सकता है मुलेरियन, है ना, मुलेरियन डक्ट आपको मिल सकता है बच्चे। क्या मिल सकता है? मुलेरियन डक्ट आपको मिल सकता है। वॉइस तो क्लियर है ना सभी को, है ना, समझ आ रहा है ना। चलो वेरी गुड। अगर आपको बच्चे पूछे कि सर डेवलपमेंट ऑफ यूटरस तो क्या बोलोगे, मुलेरियन डक्ट बोलेंगे या मीजोडर्म बोलेंगे, है ना, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं यूटरस बने ना तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, तो यूटरस अगर एब्सेंट हो, है ना सर, एब्सेंट हो तो मुलेरियन डिसजेनेसिस बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे बच्चे? सर मुलेरियन डिसजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे सर कुछ अबनॉर्मलिटी एजेनेसिस बोलते हैं, अगर यूटरस प्रॉपरली बना ही नहीं है तो एजेनेसिस बोलेंगे, अगर यूटरस के अंदर अबनॉर्मलिटीज है तो उसको बच्चे डिसजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे? डिसजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना, आई बात समझ में, ठीक है। अब उसमें अपने बात करते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन तो सभी को क्लियर हो गया ना, बोलिए। हाँ ये क्वेश्चन बच्चे क्लियर हो गया सभी को, वेरी गुड वेरी गुड, बड़े आगे अपने, ठीक है। हमारा थर्ड वन बच्चे क्वेश्चन है टारगेट ग्लैंड ऑफ एफएसएच का टारगेट ग्लैंड, एफएसएच का टारगेट ग्लैंड, है ना, ये आंसर दीजिए फटाक से, बोलिए। हाँ जल्दी से आंसर आना चाहिए भैया, वेरी गुड, है ना, क्लियर है सभी को आवाज वॉइस। चलो शिल्पा जी वेरी क्विक फास्टली बच्चे फास्टली टारगेट ग्लैंड ऑफ एफएसएच, एफएसएच का टारगेट ग्लैंड के बारे में बताइए बच्चे। हाँ जी बोलिए, नो आइडिया, चलो डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ बच्चे एफएसएच के बारे में कि सर ये आता कहाँ से है। तो हम बनाते हैं सर बेसिकली कि हमारा सर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और उसका कौन सा पार्ट है, तो आप ये बोलोगे कि सर एंटीरियर पोर्शन, है ना, एंटीरियर आप बोल सकते हो सर लोब किसकी, सर पिट्यूटरी ग्लैंड की। और उसके अंदर बेसिकली क्या रहता है सर गोनेडोट्रोप्स, है ना, गोनेडोट्रोप्स सेल रहती है सर, वो गोनेडोट्रोप सेल्स आप बोल सकते हो बेसिकली
सर हार्मोन निकालेगी दो और उसका नाम एक FSH बोलोगे और एक आप बोलते हो LH बोलते हो। तो अगर यहां से क्वेश्चन एक तो ये रह गया बच्चे कि FSH कहां से या कौन सी सेल से सीक्रेट होता है, तो आप बोलोगे सर गोनेडोट्रोफ सेल्स बोल सकते हो। और सेकंड वन की अगर बात बोलूं तो ये कहाँ पे बेसिकली सिचुएटेड रहेगी, तो आपको पता है सर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर रहता है ना। कौन से दो हार्मोन, तो FSH और LH हार्मोन बोलोगे। अब हमें ये देखना है सर टारगेट, चलो अच्छी बात है, पर टारगेट से पहले हम एक टारगेट और देख लेते हैं कि सर हमारा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है उससे निकलता है सर एक GnRH, अरे सर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारी गोनेडोट्रोफ सेल्स को आके स्टिमुलेट करते हैं, और स्टिमुलेट करेंगे तो यहां से क्या सीक्रेट होता है बच्चे FSH। अब FSH का काम क्या होगा सर, हम बेसिकली FSH का काम तो मैं ये बोलता हूँ कि सर ये डायरेक्टली कहां पे काम करता है, तो आप बोलोगे सर ओवरी पे जाके काम करेगा है ना। किस पे काम करता है बेसिकली बच्चे, सर ओवरी पे काम करता है, और ओवरी पे काम करने का काम क्या हो गया सर, FSH जाके बेसिकली क्या करवाएगा, जो हमारे फोलिकल्स होते हैं क्या होते हैं बच्चे सर, फोलिकल्स होते हैं, उन फोलिकल को क्या करवाता है बच्चे, मेच्योर करवाता है। तो मेच्योर करवाने का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से रहता है सर, सबसे पहले प्रीमोडियल की बात करूं मैं है ना, किसकी बात करूं, प्रीमोडियल फोलिकल की बात करता हूं। तो आप ये बोल सकते हो कि सर 1 से 2 दिन तक तो प्रीमोडियल की स्टेज रहती है, उसके बाद प्रीमोडियल सर FSH आएगा, उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें सर, प्राइमरी में कन्वर्ट कर देता है ना, प्राइमरी फोलिकल में। अरे बोलो तो सही सर, उसके बाद आप बोल सकते हो बेसिकली सर 3 से 4 दिन में प्राइमरी फोलिकल बन जाएंगे, और फिर हम बोलते हैं बेसिकली सर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकेंडरी में, 8 से 9 दिन में सेकेंडरी में, और फिर आप बोल सकते हो सर 12वें दिन में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आप बोलोगे सर ग्राफियन फोलिकल। क्या बोलोगे सर, ग्राफियन फोलिकल बोलते हो, ठीक है ना, ग्राफियन। चलो यहां से नहीं देख रहा मैं, इधर लिख रहा हूं बच्चे है ना, क्या बोलोगे आप, ग्राफियन फोलिकल, किसमें कन्वर्ट हो गए बच्चे, ग्राफियन फोलिकल। अच्छा इसको एक और नाम दे सकते हैं हम बेसिकली सर, इसको मेच्योर सेकेंडरी फोलिकुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं बच्चे, मेच्योर सेकेंडरी फोलिकल भी इसको हम बोल सकते हैं, हाँ या ना। चलो अच्छी बात है, तो सर FSH आया था GnRH ने स्टिमुलेट के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और यहां से FSH टारगेट और बेसिकली सर इसका ये था कि ओवरी पे जाके काम करना है ना, किस पे काम करना बच्चे, कि सर ओवरी पे जाके काम करना है, और ओवरी से उसका एक्चुअली अगर मैं काम की बात करूं तो बच्चे क्या रहेगा सर, मैच्यूरेशन ऑफ फोलिकल्स, यानी फोलिकल का क्या करवाना है, उसको मैच्योर करवाना है सर। क्यों मैच्योर करवाना है, क्योंकि सर उसको फर्टिलाइजेशन के लिए हमें भैया बोलोगे सर ओवम बनाना है ना, यहां से सर एस्ट्रोजन को रिलीज करवाना है। चलो ठीक है, तो मैंने ये बोल दिया कि सर ग्राफियन फोलिकल बन गया, और आप बोल सकते हो सर हमारे प्रीमोडियल बन जाते हैं, तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन आना है ना। आप बोलोगे सर सेकेंडरी में थोड़ा ज्यादा आएगा, ग्राफियन में इतना ज्यादा आएगा, और ग्राफियन में इतना ज्यादा आएगा कि सर ये एस्ट्रोजन, आप ये बोल सकते हो ये एस्ट्रोजन हमारा नेगेटिव फीडबैक के थ्रू क्या करवाता है बच्चे, इनहिबिट करवा देगा किसको, FSH को। तो पहले तो मैं उभर चलता हूं, हमारा क्वेश्चन था टारगेट ग्लैंड ऑफ FSH। तो बच्चे आपको यहाँ पे ये समझ आया कि सर इसका तो टारगेट ओवरी, पर इसमें सर ओवरी तो आपने नाम ही नहीं दे रखा। अच्छा ठीक है, पर करता क्या है ओवरी में सर, फोलिकल को मेच्योर करवाता है। तो देखो सर ऑप्शन सर यहाँ पे प्रीमोडियल दे रखा है ना, तो ये क्या करवाएगा, यानी आप बोल सकते हो सर बेसिकली हमारे प्रीमोडियल फोलिकल को है ना मेच्योर करवाता है। तो हमारा आंसर यहाँ हो, आप बोलोगे सर ये हो गया, अगर ये ना होता तो बच्चे आपको मिल सकता था ओवरी, ऑप्शन में क्या मिल सकता था, ओवरी आपको मिल सकता था, ठीक है। उसके बाद आज चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं सर, ठीक है। एस्ट्रोजन आया, FSH को इसने बेसिकली क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, और इसको इनहिबिट करेगा तो ये गोनेडोट्रोप्स इसको तो बंद कर देगी सीक्रेट करना, और LH को निकालने लग जाएगी, और ये LH हमारा जो ग्राफियन फोलिकुल था उस पर आके काम करेगा, यानी उसको क्या करवा देता है, रप्चर करवा देता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बच्चे, ओव्यूलेशन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन बोलते हैं।
और ये ओविलेशन होगा तो यहां से दो चीजें रिलीज होती है बच्चे, एक तो आपका ओवम बोलेंगे और एक हम क्या बोलेंगे बेसिकली बच्चे, है ना। अब बोलोगे सर कॉर्पस ल्यूटियम, वेरी गुड, क्या बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है सर, आपने बोला ठीक है, एस्ट्रोजन इनहिबिट करवा दिया है ना, LHI आप बोल सकते हो। सर इसमें बेसिकली अगर मैं बात करूं कॉर्पस ल्यूटियम की, ओवम आपका फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल है। सर कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम ये होगा बेसिकली सर, ये हार्मोन सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरोन को, सर एस्ट्रोजन को, है ना सर, इनहिबिन को, और एक आप बोल सकते हो सर रिलैक्सिन को। ठीक है ना सर, जो हमारा प्रोजेस्टेरोन होता है वो आप बोलोगे सर क्या करेगा, प्रेगनेंसी होल्डिंग हार्मोन कहलाता है बच्चे, क्या कहलाता है ये, प्रेगनेंसी होल्डिंग हार्मोन कहलाता है। अच्छा मैं यहां से आपको ये बताता हूं कि आप बोलोगे सर अगर फर्टिलाइजेशन ना हुआ तो ओवम, नहीं हुआ तो हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम है बेसिकली सर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम सर कॉर्पस है ना एल्बिकेंस में, एल्बी आप बोल सकते हो, एल्बिकेंस के अंदर है कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद आप बोल सकते हो सर हार्मोन का लेवल डाउन होगा और इन्फ्लुएंस होके विड्रॉल फिनोमिना और मेंस्ट्रुएशन आप बोलोगे सर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बोलोगे सर यहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, आप बोल सकते हो सर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो आप ये बोलोगे सर फर्टिलाइजेशन के बेसिकली मैं ये बोलूं आप ये बोल सकते हो सर पांचवें छठे दिन है ना क्या बन जाता है सर, हमारा ट्रोफोब्लास्ट बन जाता है, ट्रोफोब्लास्ट है ना, क्या बन जाएगा बच्चे ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट फिर आप बोलोगे सर दो भाग में डिवाइड होता है, एक तो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बच्चे ट्रोफोब्लास्ट आप बोलोगे है ना, और एक आप बोल सकते हो सर साइटोट्रोफोब्लास्ट, अरे बोलो तो सही है ना, साइटो ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे सर। हमारा सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है ये आउटर होता है और इनर हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है। तो जो हमारा सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होगा वो बेसिकली बीटा एचसीजी का सीक्रेट करता है, ये बीटा एचसीजी सर डायरेक्ट हमारा बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, किसको बच्चे कॉर्पस ल्यूटियम को, और कॉर्पस ल्यूटियम को ये तीन महीने तक काम करेगा, उसके बाद में आपको पता है सर प्लेसेंटा बन जाता है, फिर प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन आएगा, तो इस तरीके से हमारी प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। आई बात समझ में सभी को, है ना। तो हमारा क्वेश्चन था बेसिकली बच्चे टारगेट के बारे में देखा था, मैंने यहाँ पे तीन चार क्वेश्चन लिए थे बच्चे, ऑप्शन थे हमारे पास, तीन चार ऑप्शनों में हमने सभी के बारे में बच्चे डिस्कस कर लिया है ना, प्रीमोडियल फोलिकल के बारे में देख लिया, गोनेडोट्रोप्स आपने देख लिया सर सेल्स होती है, यूट्रस के बारे में कंफर्म कर ही लिया, और कॉर्पस ल्यूटियम। तो हमें पता लग गया सर दी बेस्ट होता अगर प्रीमोडियल फोलिकल की जगह ओवरी दिया होता, हाँ सिया बेस्ट है ना, सभी को क्लियर हुआ ना। ठीक है, क्वेश्चन बच्चे ऐसे बहुत सारे निकलते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम का कौन से हार्मोन निकलता है यहां से, है ना भाई, बीटा जीजी कहां से सीक्रेट होता है, ग्राफियन फोलिकल का अबे क्या हार्मोन या कौन सा हार्मोन बेसिकली सीक्रेट करता है ना, ये भी बेसिकली ठीक में रखना। आई बात समझ में बच्चे, चलो ठीक है बड़े अपने, है ना। नेक्स्ट हमारा बेसिकली क्वेश्चन है, समझ तो आ रहा है ना सभी को बच्चे, वॉइस क्लियर है सभी को, बोलो यस वेरी गुड, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, देखिए बच्चे ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चे है ना, रेगुलर टाइम एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग दैट आर इन अमाउंट और कॉल्ड, है ना, उसको क्या बोलेंगे। अगर आपका रेगुलरली एपिसोड के अंदर बेसिकली आप बोलोगे ठीक है ना, एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग दैट आर अमाउंट आर कॉल्ड, है ना, एपिसोड के अंदर रेगुलरली ब्लीडिंग हो क्या कहलाता है, बोलिए बच्चे। यस नीरज नीलम वेरी गुड, क्या बोलेंगे, हां जी बोलो, अरे जल्दी, हाँ जी मीनू वेरी गुड, ए बी ए है ना, कंफ्यूज हो गए यहाँ पे थोड़ा सा, चलो अच्छी बात है। हाँ जी रिंकू वेरी गुड, बी कोई बी है ना, बी बोल रहा है, मेटोरेजिया मेनोरेजिया पॉलीमेनोरिया। चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो आप ये बोलोगे बेसिकली सर ठीक है, आपने ये बोल दिया कि सर ब्लीडिंग तो होगी रेगुलरली
है ना। यानी यहाँ पे एक ये बात ये बोलोगे कि सर बेसिकली मैं बोल सकता हूँ ब्लीडिंग होगी यहाँ पे रेगुलरली, है ना। यानी रेगुलरली का मतलब हमारा जो साइकिल है बच्चे, वो साइकिल अपना फिक्स रहेगा, है ना। साइकिल क्या रहेगा बच्चे, चलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सर कितने दिन का है, 30 दिन का है, 30 दिन का है, सर 30 दिन का है, ठीक है। एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग का मतलब मैंने ये बोल दिया कि सर यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल फेज है प्लस में जो अमाउंट है ब्लड लॉस की, है ना, अमाउंट है। मेंस्ट्रुअल फेज आप बोलोगे सर इसमें भी ज्यादा रहती है ना, 6 दिन से ज्यादा रहती है। आप बोल सकते हो सर बेसिकली यहाँ पे मैं ये बोलूंगा सर 6 डेज से आपकी कहीं ना कहीं ज्यादा रहेगी मेंस्ट्रुअल फेजेस, है ना, 6 दिन से ज्यादा रहेगी। और सर जो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस है वो हमारा ज्यादा रहता है, कितना सर 80 ml से ज्यादा बोलता हूँ, है ना, 80 ml से ज्यादा बोलता हूँ, है ना। तो ये बेसिकली अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो क्या बोलूंगा बच्चे सर, यानी मेनोरेजे के बारे में, यानी इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके बारे में सर ये चीजें हमें उसमें देखने को मिलती है कि सर आपका जो साइकिल है वो रेगुलर है, और जो आप बोल सकते हो सर मेंस्ट्रुअल फेजेस है वो मोर देन 6 डेज, एंड अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस वो भी आपकी 80 डेज से ज्यादा है। अदर ऑल आर पैरामीटर इज नॉर्मल, अदर ऑल आर पैरामीटर में यानी हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है। सर अब नॉर्मल क्या है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है और हमारा मेंस्ट्रुअल फेज ज्यादा है, तो उस कंडीशन को बच्चे हम क्या बोलेंगे सर, हम इसको तो मेनोरेजिया बोलते हैं, है ना, क्या बोलेंगे बच्चे, मेनोरेजिया। और ये क्वेश्चन है ना वही तो डेफिनेशन बन रही है बच्चे कि भाई रेगुलरली एपिसोड में यानी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो मेनोरेजिया। चलो ठीक है सर, यहाँ पे एक और दे रखा है मेट्रोरेजिया का, तो मतलब बताओ, है ना, मेट्रोरेजिया के बारे में। तो सर मेट्रोरेजिया के बारे में अगर मैं देखूं तो क्या बोलोगे कि सर बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारा साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चे क्या रहेगा, इरेगुलर रहेगा, है ना, क्या रहेगा बच्चे, इरेगुलर। बाकी के जितने भी आपके अदर जितने भी पैरामीटर्स हैं बच्चे, है ना, यानी आप बोल सकते हो सर अदर ऑल आर पैरामीटर्स, है ना, ऑल आर पैरा, है ना, पैरामीटर्स क्या रहेंगे बच्चे, नॉर्मल रहेंगे। यानी मैं इसका थोड़ा सा इस तरीके से एग्जांपल बनाता हूँ मेट्रोरेजिया का, सर हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मैं बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बोल सकते हो सर, इरेगुलर है, है ना। इरेगुलर का मतलब बच्चे क्या बोल सकते हैं कि सर 15 दिन, सर 20 दिन, है ना, सर 35 दिन, है ना, सर 40 दिन, ये इरेगुलर है। अब मैं बात करता हूँ बच्चे मेंस्ट्रुअल फेज की, सर ये तो नॉर्मल होता है 3 से 4 दिन। सर ब्लड लॉस वो भी आपका नॉर्मल रहेगा, सर कितना 40 से 45 बोल सकते हो, 40 से 45 बोल सकते हो, है ना, 40 से 45 बोल सकते हो। आई बात समझ में? तो अगर मैं इस डेफिनेशन की यानी आपको मेट्रोरेजिया की डेफिनेशन बताऊं तो बच्चे क्या बोलोगे कि सर व्हेन द साइकिल इज इरेगुलर एंड अदर ऑल पैरामीटर्स इज नॉर्मल, उसको हम क्या बोलेंगे, मेट्रोरेजिया बोलते हैं, ठीक है, वेरी गुड सर, इसको मेट्रोरेजिया। अच्छा सर अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दे तो, यानी एक ने तो आपने देखा सर क्या, सर मैंने तो देखा एक मेनोरेजिया, वेरी गुड मेनोरेजिया, सर एक मैंने देखा मेट्रोरेजिया, है ना, क्या देखा बच्चे, सर मेट्रोरेजिया, वेरी गुड सर, इनको कंबाइंड कर दिया तो मैं क्या बोलूंगा, मीनो मेट्रोरेजिया बोलूंगा, ठीक है ना, क्या बोलूंगा, मीनो मेट्रोरेजिया बोलूंगा बच्चे, समझ आया सभी को। अच्छा सर इसकी डेफिनेशन बना दो, तो इसकी डेफिनेशन यानी मीनोरेजिया की डेफिनेशन और मेट्रोरेजिया की डेफिनेशन दोनों को कंबाइंड कर दो, यानी क्या बोल सकते हो सर, वहन द, है ना, वहन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इरेगुलर, क्या बोलोगे, इरेगुलर, है ना, एंड और क्या बोलोगे बच्चे कि सर मेंस्ट्रुअल फेज, है ना, मेंस्ट्रुअल फेज मोर देन 6 डेज आप बोलोगे सर, ठीक है ना, एंड आप बोल सकते हो सर ब्लड लॉस, है ना, ब्लड लॉस मोर देन 80 ml, मोर देन 80 ml, उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे सर, मीनो मेटोरेजिया बोलेंगे। अरे बोलो तो सही, मीनो, आप बोलोगे सर मेटोरेजिया, बताओ भाई समझ आया सभी को, बोलिए, है ना, मीनो मेटोरेजिया समझ आया। अच्छा ठीक है सर, एक वर्ड और है, यानी तीनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई सभी को, मीनोरेजिया किसे बोलेंगे, है ना सर, मीनोरेजिया उसे बोलेंगे कि हमारा जो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो नॉर्मल होगा
पर जो आपका बेसिकली सर मैच्योरेशन फेज होती है वो 6 दिन से ज़्यादा हो गई, ये अबनॉर्मल हो गई, और सर ब्लड लॉस है वो भी 80 ml से ज़्यादा होगा, उसको हम मिनोरेजिया बोलेंगे। अगर मैं बोलूँ सर मेटोरेजिया की, तो साइकिल सर इरेगुलर होगा, बाकी के जो पैरामीटर्स है वो नॉर्मल रहेंगे। सर मैं मिनोमेटोरेजिया की बात करूँ तो उसमें ये बोलोगे कि सर साइकिल इरेगुलर रहेगा और हमारा ब्लड भी 80 ml से ज़्यादा रहेगा और मैच्योरल फेज भी आप बोलोगे सर 6 दिन से ज़्यादा रहेगी। चलो वेरी गुड, बढ़े आगे। अच्छा एक टर्म और है हमारे पास सर, पोलीमेनोरिया। क्या बोलेंगे बच्चे? सर पोलीमेनोरिया। अच्छा पोलीमेनोरिया के बाद में बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक काम आता है सर, इसका हम ये बोलते हैं कि इसमें सर रेगुलर रहेगा साइकिल एंड सर फ्रीक्वेंट रहेगा, यानी बार बार आता रहेगा, ठीक है ना, रेगुलर रहेगा। एंड आप बोल सकते हो सर हमारा जो बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आप बोलोगे सर लेस देन 21 डेज, है ना, 21 दिन से पहले आएगा, बाकी आप बोलोगे सर अदर ऑल आर पैरामीटर्स क्या रहेंगे बच्चे, पैरामीटर्स क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। अरे बोलो तो सही, क्या रहेंगे? नॉर्मल रहेंगे। समझ आया ना सभी को? ठीक है सर, कैसे? थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए। वेरी गुड, है ना। तो एग्जांपल आप ये लीजिए सर, आपने रेगुलर साइकिल बोला, ठीक है, कितने दिन से कम? 21 दिन का, तो ये लो मैंने बोल दिया 20, मैंने बोल दिया 20, मैंने बोल दिया 20, है ना, ये क्या था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर बाकी के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, ठीक है, यानी मेंस्ट्रुअल फेज सर वही 3 से 4 सभी में लिख दीजिए। सर हमारा ब्लड लॉस की बात करूं मैं, सर वही कितना 40 से 45 ml, तो इसी को तो हम पोलीमेनोरिया बोलेंगे। अच्छा ठीक है सर, इससे रिलेटेड एक टर्म और आती है, क्या? ओलिगोमेनोरिया। बच्चे मेरा पर्पज यही है कि एक क्वेश्चन के साथ कम से कम आपके 5 क्वेश्चन क्लियर करवाना। बढ़े आगे अपने। चलो सर अगला क्वेश्चन आप बोल रहे थे ओलिगोमेनोरिया। वेरी गुड, ओलिगोमेनोरिया, ठीक है सर। ओलिगोमेनोरिया है ना, यहाँ पे मैं आपसे बोलना चाहूँ क्या बोलेंगे। चलो ठीक है सर, ऐसे बोलेंगे इसके अंदर हमारा साइकिल तो बेसिकली सर क्या रहेगा, अगर अपने बोल सकते हैं इरेगुलर साइकिल रहता है, ठीक है ना। क्या बोलोगे बच्चे? सर इरेगुलर। वेरी गुड, इरेगुलर है ना। एंड आप बोल सकते हो इनफ्रीक्वेंट, ठीक है ना, इनफ्रीक्वेंट यानी फिक्स नहीं है आप बोलोगे। एंड आप बोल सकते हो सर हमारे जो अद है ना, एंड आप बोलोगे, क्या बोलोगे सर, कि जो हमारा सर मेंस्ट्रुअल क्या होता है मेंस्ट्रुअल है ना, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आप बोलोगे सर मोर देन 35 डेज, ठीक है। इसमें बोला सर हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल सर मोर देन 35 डेज का रहेगा, बाकी के सारे यानी अदर ऑल पैरामीटर्स बच्चे क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। समझ आया सभी को? ठीक है, यानी इसकी डेफिनेशन बनाई वहन द, आप बोलोगे सर इरेगुलर एंड इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल मोर देन 35 डेज एंड अदर ऑल पैरामीटर्स आर नॉर्मल इज कॉल्ड ओलिगोमेनोरिया, है ना सर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोल दिया 35 दिन का साइकिल, सर 45 दिन, 60 दिन, क्योंकि मैंने क्या बोला, इरेगुलर बोला यहाँ पे, ठीक है ना। आप बोलोगे सर 45 दिन हो गया, आप बोलोगे सर बेसिकली यहाँ पे 75 डेज, ठीक है सर साइकिल का ये हो गया, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है सर। मैं फेज की बात करूँ तो नॉर्मल रहेगा 3 से 4। सर अगर मैं ब्लड लॉस की बात करूं, नॉर्मल रहेगा 40 से 45 ml। सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं बच्चे, हम मैं साइकिल की बात कर रहे हैं, 35 दिन से ज्यादा रहेगा पर अब नॉर्मल रहेगा, और पोलीमेनोरिया में 21 दिन से कम रहेगा पर कांस्टेंट रहेगा, यानी रेगुलर रहेगा बच्चे 20 20 20 20, आप बोल सकते हो। तो बताओ सभी को क्लियर हुआ बच्चे, है ना। इससे रिलेटेड आपकी और भी काफी टर्में हैं, एमेनोरिया सभी को पता है, क्या बोलते हैं कि सर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिसमेनोरिया सभी को पता है कि सर डिफिकल्टी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डिफिकल्टी रहना, है ना। उसके बाद सर क्रिप्टोमेनोरिया, तो क्रिप्टोमेनोरिया आप बोल सकते हो सर बेसिकली हमारे साइन सिम्टम तो प्रेजेंट होंगे, आप बोल सकते हो सर मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, है ना, बट ब्लीडिंग एब्सेंट होती है बच्चे, उसको हम क्रिप्टोमेनोरिया बोलते हैं, है ना। यहां पे अगर किसी बच्चे को ना पता है क्रिप्टोमेनोरिया,
ये बोल लिख सकता है ना, क्रिप्टोमेनोरिया। बच्चे यहां पे क्या होगा, साइन सिम्टम ऑफ है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या रहेंगे बच्चे, प्रेजेंट रहेंगे, बट आपकी जो बेसिकली आप बोल सकते हो सर हमारे जो ब्लीडिंग है वो ब्लीडिंग क्या रहेगी, एब्सेंट रहती है ना। समझ आया सभी को, चलो क्रिप्टोमेनोरिया बोलते हैं। सर एक वर्ड और होता है हाइपोमेनोरिया, वेरी गुड हाइपोमेनोरिया, ये भी लिख लो सर। 20 ml से कम ब्लीडिंग हो हाइपोमेनोरिया बोलते हैं। बताओ भाई सभी का कमेंट, हां जी रीटा मोनिका जल्दी से, वेरी गुड है ना, बोलिए है ना, क्लियर सभी को बच्चे, बोलो बच्चे जी शिल्पा वेरी गुड, कुसुम वेरी गुड बच्चे, मोनिका यस सर, यानी सभी को सारी टर्म क्लियर है, चलो बड़े आगे अपने, चलो अच्छी बात है। तो अगला हमारा नेक्स्ट वन बच्चे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ, इसको कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन को, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पैथोलॉजिकल एमेनोरिया, यहां पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, मोस्ट कॉमन कोज पैथोलॉजिकल एमेनोरिया, और बोलते जाओगे सभी के, किसी का भी आंसर, मोनिका अनु नीलम रानी हां जी बोलिए हां जी नीलम, सारे जवाब सभी का आना चाहिए भाई, सभी का आना चाहिए हां जी, बी पूजा रानी वेरी गुड, अभी तक सभी का बी बी नीरज वेरी गुड बच्चे, बी सरबजीत यस रितु रानी बी, चलो अच्छी बात है, यानी सभी को पता है, चलो अच्छी बात है। पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि मोस्ट कॉमन को जो पैथोलॉजिकल एमेनोरिया आपने बी बोला, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ बच्चे मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एमेनोरिया, अब बताइए बच्चे एमेनोरिया, एमेनोरिया का मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा, अब बोलिए एमेनोरिया का मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा, अब बोलिए बच्चे, ऑल ओवर अगर मैं बताना चाहूं तो चलो लिख लो है ना, लिख लो सभी का गलत आंसर है, पर लिखो मैं ये बोलूंगा सर मेनोपॉज, मेनोपॉज ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन दे रखा था मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एमेनोरिया, ऑप्शन एक ये दे रखा था सर, ऑप्शन बी प्रेगनेंसी दे रखा था ठीक है ना सर, ऑप्शन सी है ना आप ये बोलोगे सर पीसीओडी दे रखा था, और ऑप्शन डी आप ये बोलोगे बेसिकली सर यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम दे रखा था। तो बच्चे हमारा यहाँ पे प्रायोरिटी जाएगा एमेनोरिया, अगर आपका एमेनोरिया नहीं है ऑप्शन में तो आपका सेकंड प्रायोरिटी बच्चे आपका सेकंड प्रायोरिटी प्रेगनेंसी जाएगा। ऑल ओवरली अगर आपको डायरेक्टली पूछा है कि सर मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एमेनोरिया तो क्या बोलेंगे, मेनोपॉज बोलेंगे, अगर मेनोपॉज नहीं है तो क्या बोलोगे सर, प्रेगनेंसी बोलेंगे। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं यहां से बेसिकली कि सेकंड मोस्ट कॉमन कोज आप बता दोगे, चलो अगर मैं यहां पे बोलूं कि सर मोस्ट कॉमन कोज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया, अब बताओ अगर मैं आपको प्राइमरी एमेनोरिया के बारे में पूछूं, अब बताओ बच्चे प्राइमरी एमेनोरिया इसका मोस्ट कॉमन कोज बताइए। हाँ जी सभी का कमेंट देख रहा हूं, बोलिए क्या बोल सकते हो, चलो मैं इसके ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन ए वही सर मेनोपॉज है ना, ऑप्शन बी सर पीसीओडी, ऑप्शन सर सी हमारा प्रेगनेंसी ठीक है ना सर, ऑप्शन डी हमारा टर्नर सिंड्रोम। तो अब इसमें से बोलिए बच्चे मोस्ट कॉमन कोज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया है ना, कुलवंत कौर मोनिका नीलम हां जी यस शिल्पा वेरी गुड। सर अगर आप बात करते हो प्राइमरी एमेनोरिया की तो प्राइमरी एमेनोरिया का मोस्ट कॉमन कोज होता है ना क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं और मैंने बच्चे यहां से मैंने यहां से आपको बेसिकली
सारों के ऑप्शन यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, ये क्वेश्चन में आपको है ना देखो चलो क्वेश्चन लिखा अपनों ने मोस्ट कॉमन सर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एम ए नोरिया। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं कि सर ठीक है ऑप्शन मैं आपको ये दे रहा हूं ऑप्शन ए है हमारे पास वही सर मीनोपोज है ना, मीनोपोज लिखोगे यहां पे, दो मिनट रुक जाइए, मीनोपोज ठीक है, ऑप्शन बी प्रेगनेंसी बोलोगे और ऑप्शन यहां पे सी आपने बोल दिया कि सर एम स्लाइड, दो मिनट रुकिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। आराम से, हाँ जी, यानी मैंने चलो ऑप्शन बोल देता हूँ, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया ऑप्शन ए अपनों ने बेसिकली बच्चे क्या लिखा था है ना सर, हमने ऑप्शन ए के बारे में लिखा था भाई मीनोपोज लिखा था, मीनोपोज लिखा था। ऑप्शन बी के बारे में सर आपने प्रेगनेंसी बोला था सर, सी के बारे में आपने पीसीओडी बोल दिया सर, यहाँ पे पीसीओडी छोड़ो, या मैं यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ पीसीओडी की जगह आप ये लिख सकते हो बेसिकली लैक्टेशन, लैक्टेशन। और ऑप्शन डी की बात करूं यहां पे तो आप लिखोगे सर एम आर के एच। अब मेरे को ऑप्शन बताइए, शिल्पा मोनिका यस, अब बोलिए बच्चे, हाँ जी यस किरणदीप, वेरी गुड बच्चे, अच्छा चलो ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका ऑप्शन में टर्नर सिंड्रोम नहीं दिया हो तो हमारा सेकंड मोस्ट कॉमन कोज क्या बन जाएगा बच्चे, कि सर मेयर रोकी तांस्की कोशर होसर डिजीज, कोशर होसर डिजीज ठीक है ना सर। ये होता क्या है तो आप ये बोलोगे मुलेरियन, मुलेरियन डिसजेनेसिस, डिसजेनेसिस बच्चे बोलोगे इसको ठीक है ना। यानी आपका होता क्या है बेसिकली सर एम आर के एच सर, ये मुलेरियन डिसजेनेसिस होता है, यानी इसका मतलब है आपके यूट्रस का डेवलपमेंट नहीं होता इसमें। तो अगर आपको डायरेक्ट बच्चे क्वेश्चन पूछ रखा है कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया तो आप टर्नर सिंड्रोम बोलोगे, अगर आपको भाई नहीं दिया हुआ टर्नर सिंड्रोम तो हमारी सेकंड प्रायोरिटी बच्चे किस पे जाएगी, कि सर सेकंड प्रायोरिटी हमारे है ना मेयर रोकितांसी कोसर होसर सिंड्रोम पे जाएगी, फर्स्ट आप बोलोगे सर इस पे जाएगी। अब अपने क्वेश्चन चेंज करते हैं, चलो ठीक है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेसिकली बच्चे, अगर आपसे ये पूछूं वही सेम मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया, एम ए नोरिया, और ऑप्शन आपके पास बच्चे सर है ना, यहां पे मैंने मीनोपोज कर दिया सर, ऑप्शन मैंने बोल दिया प्रेगनेंसी बोल दिया ठीक है ना सर, मैं बेसिकली यहां पे तीसरा ऑप्शन मेरा पीसीओडी है ना, और सर चौथा ऑप्शन मेरा टर्नर सिंड्रोम है। अब बताइए बच्चे यहां पे कि भाई हमारा है ना सेकेंडरी एमेनोरिया का मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा, हाँ बोलिए सेकेंडरी एमेनोरिया का मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा, नीलम ए, पूजा ए, वेरी गुड मोनिका। यानी अगर आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि भाई सेकेंडरी एमेनोरिया का मोस्ट कॉमन कोज क्या है तो क्या बोलोगे सर, मीनोपोज बोलेंगे, क्या बोलेंगे मीनोपोज बोलेंगे। अगर आपको बेसिकली पूछ ले कि सर प्राइमरी एमेनोरिया का तो आप टर्नर सिंड्रोम बोलोगे, अगर ऑल ओवरली पूछ ले तो हमारा मीनोपोज जाएगा ठीक है। सर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन की बात यह है कि जो बच्चे सेकेंडरी एमेनोरिया है ना वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो आपके फिजियोलॉजिकल आप बोल सकते हो सर फिजियोलॉजिकल हम बोलेंगे है ना,
और एक आपका होता है पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल ठीक है ना, पैथोलॉजिकल। सर फिजियोलॉजिकल के अंदर बेसिकली हमारा आ जाता है मेनोपॉज आ जाता है, और आपका बेसिकली सर लैक्टेशन आ जाता है ठीक है ना, और सर हमारा प्रेगनेंसी आ जाता है ठीक है ना। अगर सर पैथोलॉजिकल में पूछा तो आपके तीन चार आते हैं, यहाँ पे पीसीओडी की बात कर रहे हैं है ना, आप बोलोगे सर सियांस सिंड्रोम की बात कर रहे हैं ठीक है ना, आप बोलोगे सर एसरमान सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे इसके अंदर आप बोलोगे सर इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको कोई भी पूछ रखा है सर पैथोलॉजिकल का मोस्ट कॉमन कॉज, तो बच्चे उसमें क्या बोलोगे आप, पीसीओडी बोलोगे, यानी आप ये बोल सकते हो सर पॉलीसिस्टिक, पॉलीसिस्टिक है ओवेरियन है ना, ओवेरियन सिंड्रोम या ओवेरियन डिजीज बोलोगे, ओवेरियन है डिजीज बोलोगे ठीक है ना। तो सर होता क्या है इसके अंदर, पॉली का मतलब आप बोल सकते हो सर कहीं ना कहीं तीन चार से ज्यादा आप बोलोगे, सिस्ट बन जाती है किसके अंदर सर, ओवरी के अंदर, क्या बन जाती है सर सिस्ट किसके अंदर सर, ओवरी के अंदर। तो यानी मान के चलो ये हमारी ओवरी है सर, इस ओवरी के अंदर बेसिकली होता क्या है, यानी आप बोलोगे सर सिस्ट बन जाती है ठीक है ना, मल्टीपल सिस्ट बन जाती है, और ये सिस्ट करती क्या है सर, एंड्रोजन का यानी एंड्रोजन हार्मोन है उसको क्या करवाएगी, रिलीज करवाती है, यानी हाइपर एंड्रोनिज्म करवाती है, क्या करवाती है बच्चे, तो आप ये बोलोगे कि सर हाइपर एंड्रोनिज्म बोलोगे है ना, एंड्रोनिज्म बोलते हैं। तो सर ठीक है हाइपर एंड्रोनिज्म करवाएगा, पर इससे हमें होगा क्या, तो आप ये बोल सकते हो सर हमें कहीं ना कहीं जो फीमेल के अंदर सिम्टम देखने को मिलेंगे वो आप ये बोल सकते हो सर हिस्टोटिज्म की है ना, चेहरे पे यानी बाल आने लग जाएंगे, और फिर आप बोल सकते हो सर एकिंथोसिस निग्रोकेंस बोल सकते हैं है ना, गर्दन हमें बेसिकली क्या देखने को मिलेगी बच्चे, आप बोल सकते हो सर ब्लैक हमें देखने को मिलती है, एकिंथोसिस आप बोलोगे, एकिंथोसिस निग्रोकेंस ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है सर, हमारी जो गर्दन होती है वो हमें क्या मिलेगी, ब्लैक मिलेगी, गर्दन क्या मिलेगी बच्चे, तो आप लोगों से सर ब्लैक मिलती है, ये बेसिकली अच्छा एक और लिख सकते हो सर आवाज का भारी या वॉइस अल्टरेशन बोल सकता हूं, वॉइस अल्टरेशन बोलोगे। तो जब आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन यानी आप बोलोगे सर सिस्ट के अंदर बहुत सारी बेसिकली क्या होता है सिस्ट फॉर्म हो जाती है, तो वो सिस्ट क्या करवाएगी सर, एंड्रोजन हार्मोन का रिलीज करवाती है सर, एंड्रोजन हार्मोन जैसे जैसे ज्यादा निकलेगा तो सर ये बेसिकली करवाता क्या है, यानी हमें बहुत सारे ज्यादा आवाज आप बोलोगे सर भारी हो जाती है बेसिकली है ना, एकिंथोसिस निग्रोकेंस हमें देखने को मिलेगा, तो ये हमें साइंस में बेसिकली आप बोलोगे सर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको ये और बता देता हूँ सर, पीसीओडी का जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो यूएसजी होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है वो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है सर, यूएसजी है ना, क्यों सर हम जब भी यूएसजी करते हैं तो हमें जो अपीयरेंस होती है वो आप बोलोगे सर पियर नेकलेस है ना, पियर नेकलेस अपीयरेंस बोलते हो ठीक है ना, क्या बोलोगे बच्चे, नेकलेस अपीयरेंस यानी हाँ मोती के हार जैसा आप बोल सकते हो सर, हमें मोती के हार जैसा क्या होता है अपीयरेंस। तो अगर आपको क्वेश्चन ये भी पूछे कि हमें किस तरीके की पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओडी के अंदर किस तरीके की हमें अपीयरेंस देखने को मिलती है, तो पियर नेकलेस अपीयरेंस आप बोलोगे सर, हमारा बेस्ट इन्वेस्टिगेशन तो यूएसजी होता है सर, अगर जाता है ना एक बार आने से या दूसरी बार होगी या दोनों में है तो उसको हमें कट करना पड़ता है, आप लोग सिस्टेक्टोमी आप बोल सकते हो, ओवरी को कट करना पड़ता है हमें ठीक है ना, ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो पीसीओडी के बारे में बच्चे आप ध्यान में रखोगे, यहां पे मैंने आपको बताया था बेसिकली बच्चे हम क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे थे मोस्ट कॉमन को जो पैथोलॉजिकल एमेनोरिया, तो हमने ये देखा सर प्राइमरी ऑल ओवर अगर एमेनोरिया का पूछे तो मेनोपॉज बोलेंगे पहले, फिर प्रेगनेंसी बोल सकते हैं सर, अगर प्राइमरी एमेनोरिया का पूछे तो हमने टर्नर सिंड्रोम है ना, अगर सेकेंडरी का पूछे सर बेसिकली तो हम सर मेनोपॉज बोलेंगे, फिर अगर सर बेसिकली आप बोल सकते हो भाई हमें पैथोलॉजिकल पूछे तो बेसिकली बच्चे हम क्या बोलेंगे, पीसीओडी बोलेंगे बच्चे, समझ आया सभी को, क्या बोलेंगे बच्चे, पीसीओडी बोलते हैं, क्लियर ना, बोलिए हाँ जी, जवाब आना चाहिए, पीसीओडी बोलते हैं, वेरी गुड। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो सर क्वेश्चन रहने वाला है वो आपके सामने है, बोलो ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अपने सामने, When the placenta villi invade the myometrium, the placenta is termed as, बोलिए
आपका जो प्लेसेंटल विलाई है वो सर मायोमेट्रियम में चला जाता है, उसको हम क्या टर्म देके बेसिकली बोली बोलो बच्चे। यस नीरज, मोनिका, शिल्पा, नीलम, हां जी कुसुम, बी प्लेसेंटा एसर्टा, एक्रेटा, इनक्रेटा, परक्रेटा, बी किरणदीप, एक के पीछे ए, वेरी गुड अन्नू, बहुत अच्छी लड़की है। यस हां जी बोलिए, वेरी गुड। यस बोलो, चलो ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सर प्लेसेंटल इनवेट का मतलब आपको मैं ये बोल रहा हूं कि सर जो हमारा प्लेसेंटा का बेसिकली क्या होता है सर, इम्प्लांटेशन होता है ना, किसके अंदर बेसिकली सर, एंडोमेट्रियम में, है ना, किसके अंदर रहेगा सर, एंडोमेट्रियम में। तो होता क्या है सर, बेसिकली एंडोमेट्रियम में जब प्लेसेंटा लगेगा आपका, तो नॉर्मली आप बोल सकते हो सर हमारा एंडोमेट्रियम की डीप में लगता है, है ना, नॉर्मली डीप में लगता है। आप बोल सकते हो सर अगर डीप में लग के और मायोमेट्रियम के जंक्शन तक चला जाता है सर, तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, तो आप ये बोल सकते हो सर प्लेसेंटा अकर्टा बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे, प्लेसेंटा आप बोलोगे सर अक्रेटा बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ये बोलूं कि सर प्लेसेंटा हमारा या प्लेसेंटल विलाई मायोमेट्रियम के अंदर तक चला जाए, यानी बीच तक चला जाए, मायोमेट्रियम के डीप में चला जाए, मायोमेट्रियम के डीप में चला जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चे, बेसिकली सर प्लेसेंटा इनक्रेटा बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे, इनक्रेटा। अगर मैं ये बोलूं प्लेसेंटा तीनों की तीनों लेयर को क्रॉस कर दे, यानी एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम को क्रॉस कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, परक्रेटा बोलते हैं। क्या बोलेंगे हमें, परक्रेटा बोलते हैं। आई बात समझ में, है ना, क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे हमें कि सर क्या बता रखा है। तो प्लेसेंटल विलाई इन्वेट द मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के अंदर आइए। तो मायोमेट्रियम का मतलब यहाँ पे हमने देखा है सर प्लेसेंटा, क्या बोला, इनक्रेटा, है ना। हमारा जो राइट आंसर है बच्चे वो क्या रहेगा, प्लेसेंटा इनक्रेटा रहता है। यस सर, है ना, ए वाले, बी वाले, वेरी गुड। चलो आगे अपने देखते हैं बेसिकली, ठीक है ना, हमारा क्या आंसर रहेगा, इनक्रेटा। समझ आ गया, एक्रेटा, परक्रेटा। चलो बढ़े आगे अपने, वेरी गुड। ये टर्म है बेसिकली, बहुत बार आप बोल सकते हो सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो थोड़ा सा कॉपी पेन रखा करो साथ में, उसको लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। जिस बच्चे का एग्जाम है वो जरूर क्लासेज लगाए। और आप बोलोगे सर इस जितने भी आपने प्रीवियस ईयर का जो एनवीएस का एग्जाम देखा है उसके अंदर आपके ज्यादातर सीएचएन के क्वेश्चन मिले हैं और आपके ओबीजी के, है ना, प्लस वन आपका जो एनाटॉमी पोर्शन है इससे आपके ज्यादातर क्वेश्चन हैं बच्चे। यानी यहाँ पे, यानी आप बोल सकते हो सर बेसिकली बेसिक जो टर्मी होती है एमएसएन से रिलेटेड, एनाटॉमी से रिलेटेड, वो ज्यादातर आप बोल सकते हो, सीएचएन से रिलेटेड वो ज्यादातर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन मत लो, लगातार बोलो। 10 आपका 7 तारीख तक क्लासेज रहेगी, यानी आपकी रीजनिंग की भी क्लासेज लगाएंगे, एक दो क्लासेज यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, आपकी मैथ की भी एक आधी क्वेश्चन की क्लास रहेगी और आपकी एक हिंदी की भी क्लास हमें लगवाएंगे। तो जो एनवीएस का पेपर का पैटर्न रहता है बच्चे, जो क्राइटेरिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारी की सारी ये क्लासेज करवाएंगे, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन क्लासेज करवाएं और 2 दिन में आपका बेसिकली जो प्रीवियस 2018 का और 19 का जो एनवीएस का पेपर है उसके बारे में भी आपको डिस्कशन करवाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसको अटेम्प्ट करा करो बच्चे, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, इन क्वेश्चन में से आपको एग्जाम के अंदर मिल जाए तो आपका वो, आप बोलोगे सर सिलेक्शन, यानी ज्यादातर नर्सिंग के जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट नहीं आते, हार्ड नहीं आते। यहां से हमारा क्वेश्चन है बच्चे लास्ट वन, आप ये बोलोगे कि सर ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट। तो आपको पता है कि सर हम एमनियोटिक फ्लूइड, है ना, एमनियोटिक फ्लूइड किसको बोलते हैं, तो सर एक क्लियर फ्लूइड होता है बेसिकली जो बच्चे को शॉक ऑब्जर्वर से प्रिवेंट करता है ना, आपको पता है सर बेसिकली। और सर ये, है ना, बच्चे को बेसिकली बाय न्यूट्रिशन वगैरह वो आप बोल सकते हो सर प्रिवेंट करवाता है, मूवमेंट भी बेसिकली आप बोलोगे सर प्रिवेंट करवाता है ना, आपको पता है। चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड यानी किस चीज को आप बोल सकते हो सर इंडिकेट करता है, ग्रीनिश येलो कलर आप बोल सकते हो किस चीज को इंडिकेट करेगा।
तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे कुछ एक टर्म दे रखी है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, अच्छा ट्राइमेस्टर के बारे में तो सभी को पता है ना कि सर तीन ट्राइमेस्टर होते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है सर उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा एमनियोटिक फ्लूइड कलरलेस होता है। क्या होता है बच्चे? कलरलेस होता है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं 32-42 वीक पे आपका बेसिकली सर स्ट्रो कलर का हो जाएगा ड्यू टू द सर मेकोनियम सॉरी लेंग्यूआ बोल सकते हो, है ना, आप ये बोल सकते हो सर यूरिन की मात्रा के कारण बोल सकते हो, है ना, बोल सकते हो सर केसियोजा के बारे में बोल सकते हो, है ना। स्ट्रो या बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चे? पेल कलर का हो जाता है, ठीक है ना। कब आपका 38-42 वीक ये नॉर्मली हमें देखने को मिलता है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉर्मली हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चे? कलरलेस। दो चीजें यहां से ये नोट करो बच्चे। हाँ वेरी गुड, टर्बिड बोल सकते हैं मोनिका, टर्बिड भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमें बात करनी है सर ये जो आपने बताया है ये तो सारा का सारा अबनॉर्मलिटीज में आ जाता है, चलो है ना, किस में आ जाता है बच्चे? सर ये तो अबनॉर्मलिटीज में आ जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्रीनिश येलो कलर की बच्चे, है ना। हमने नॉर्मल कलर के बारे में डिस्कस कर लिया, तो आप ये बोलोगे सर ग्रीनिश, है ना, ग्रीनिश येलो कलर, सर ग्रीनिश येलो कलर, या इसको सर हम क्या बोल सकते हैं? सैफ्रोन कलर बोल सकते हैं, सैफ्रोन आप बोल सकते हो, है ना, सैफ्रोन कलर बोलोगे सर, या हम इसको बेसिकली क्या बोल सकते हैं, है ना, डाउन कलर या केसरिया कलर बेसिकली बोल सकते हैं। तो सर ये अगर हमें कलर मिले एमनियोटिक फ्लूइड का तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं सर पोस्ट, है ना, पोस्ट मैच्योरिटी। क्या बोलेंगे बच्चे? पोस्ट मैच्योरिटी बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? पोस्ट मैच्योरिटी बोलते हैं बेसिकली। चलो वेरी गुड। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर अगर आपको गोल्डन येलो कलर मिल जाए, है ना, गोल्डन कलर मिल जाए सर, या मैं गोल्डन येलो की बात करूं, ये येलो कौन सा था सर? ग्रीनिश येलो की बात की है। अगर सर गोल्डन येलो मिल जाए तो सर इसका मतलब तो हमें पता है आरएच इनकॉम्पेबिलिटी, इन इनकॉम्पेटिबिलिटी, है ना। क्या होता है सर ये गोल्डन कलर का क्यों हो जाता है? तो आपको पता है सर यहाँ पे बेसिकली मदर है जो नेगेटिव होती है, बच्चा पॉजिटिव होता है, इसके अंदर आपका जो एचबी होता है उसका बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से ब्रेकडाउन होगा, तो आपका इम्यूनिटी फ्लूइड का गोल्डन येलो कलर हो जाता है। साथ ही साथ हम और क्या दे सकते हैं बेसिकली, एक और लिख लो आप है टोबेको कलर, टोबेको कलर आप बोलोगे, या टोबेको जूस कलर बोल सकते हैं, टोबेको जूस कलर, या आप बोल सकते हो सर बेसिकली सर ब्राउन कलर, है ना। ब्राउन कलर का अगर हमें या टोबेको जूस कलर का हमें इम्यूनिटी फ्लूइड मिले तो इसका मतलब सर हम क्या बोलेंगे? इंट्रा यूटेराइन डेथ आप बोलोगे। क्या बोलोगे? इंट्रा यूटेराइन डेथ। अच्छा एक और लिख लो सर, अगर मैं ये बोलूं बेसिकली हमें ग्रीन कलर मिले डायरेक्ट आप बोल सकते हो, है ना, ग्रीन कलर मिले तो उसको हम क्या बोल सकते हैं सर बेसिकली, या मेकोनियम स्टैंड बोलने बच्चे, है ना, आप बोलोगे सर मेकोनियम, मेकोनियम स्टैंड की बात करें अपने, है ना, मेकोनियम स्टैंड की बात करें तो इसका मतलब क्या है बच्चे? फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है ना। क्या बोलेंगे बच्चे? फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। और साथ ही साथ एक चीज आप और लिखते जाओ कि सर अगर मैं बात करूं किसके बारे में, अगर हमें ब्लड क्या देखने को मिले, डार्क देखने को मिले, सॉरी ब्लड क्या एमनियोटिक फ्लूइड, या हमें रेड कलर का देखने को मिले, है ना, एमनियोटिक फ्लूइड, तो वो किस चीज को इंडिकेट करेगा? तो आप ये बोलोगे सर बेसिकली इंट्रा यूटेराइन हेमरेज। क्या बोलेंगे बच्चे? इंट्रा यूटेराइन हेमरेज बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? इंट्रा यूटेराइन हेमरेज बोलेंगे, है ना। तो क्या देखा मैंने सर? एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बात करी। अच्छा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या था क्वेश्चन आपका सर? ग्रीनिश येलो कलर। तो यहाँ पे ग्रीनिश येलो कलर का बोला तो सर मेरे को तो पोस्ट मैच्योरिटी बोला है सर। आरएच इनकॉम्पेबिलिटी किस में देखने को मिलता है? गोल्डन कलर में सर। फीटल डिस्ट्रेस किस में देखने को मिलता है सर? हम बोल सकते हैं सर ग्रीनिश, है ना, कलर या मेकोनियम स्टेन के अंदर देखने को मिलता है। आई बात समझ में बच्चे? पोस्ट मैच्योरिटी बोलिए। हाँ जी पोस्ट मैच्योरिटी बोलिए, है ना सर। हमें पोस्ट मैच्योरिटी ग्रीनिश येलो कलर में मिलेगा। आरएच इनकॉम्पेबिलिटी बच्चे किस में मिलता है? गोल्डन कलर के अंदर मिलता है। अगर आपको टोबेको को बोले तो बेसिकली बच्चे क्या बोल सकते हो सर? इंट्रा यूटेराइन डेथ को इंडिकेट करेगा।
अगर आपको ग्रीन आप बोलोगे कलर या मेकोनियम स्टेन कलर मिलता है तो इसका मतलब फिटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। अगर डार्क आप बोल सकते हो सर हमें कलर मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड का या डार्क रेड कलर मिलता है तो वो किस चीज को इंडिकेट करेगा आपका सर इंट्रायूटेराइन हेमरेज के बारे में बताता है ना। तो बताओ बच्चे सभी को क्लियर हुए क्वेश्चन, छोटे छोटे बेसिक में क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आया था और बेसिक टर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। और ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर थे उसको स्टडी करके बेसिकली इस टाइप के मैंने क्वेश्चन बनाए थे बच्चे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चे, धन्यवाद, है ना। थैंक यू फॉर अटेंशन माय लेक्चर, थैंक यू बच्चे, धन्यवाद। सभी को क्लियर हुआ ये बता दो भाई, सभी को क्लियर हुआ लेक्चर, सभी को।